शादी से पहले वरमाला की तैयारी की गई थी और मंच पर दूल्हा और दुल्हन को लाया गया। दुल्हन के परिवार की महिलाएं वरमाला की खुशी में दूल्हा दुल्हन को चारों ओर से घेरे हुई थी कि इसी बीच वो हो गया जिसकी कल्पना भी परिजनों ने नहीं की थी। दुल्हन अभी दूल्हे को वरमाला डालती कि इससे पहले एक युवक वरमाला के बीच में घुसकर दुल्हन तक पहुंच गया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस अचानक हुई घटना के बाद दुल्हा दुल्हन के बीच आए तीसरे युवक ने मंच नहीं छोड़ा और वो वहीं खड़ा रहा। दुल्हन की बहन जो घटना के वक्त वहीं थी उसने उस लड़के को थप्पड़ भी मारा। तब तक सब कुछ बिगड़ गया था। इस पूरी घटना को दुल्हन के परिवार और सगे संबंधी के साथ बारात में शामिल दूल्हे के परिजनों ने भी देखा। फिर क्या था, हंगामा मच गया और दुल्हन के परिजनों ने मंच पर से खींचकर युवक को उतारा और उसकी धुनाई शुरू कर दी। युवक की इतनी धुनाई की गई कि युवक के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अब आपको इस प्रेम त्रिकोण की कहानी को विस्तार से बताते हैं। दरअसल नालंदा के एक आशिक ने अपनी प्रेमिका की मांग भरने के लिए एक ऐसे दिन और तारीख को चुना जिस दिन उसकी प्रेमिका दुल्हन बनकर अपने होने वाले पति को वरमाला डालने वाली थी। ऐसा नहीं है कि इस आशिक को उसके इस कृत्य के परिणाम का अनुमान नहीं था। वह जानता था कि जब वह बारातियों और सरातियों की भीड़ में ऐसी हरकत करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वह आशिक ही क्या जो अपने इश्क में परिणाम की परवाह करे। बिहार के नालंदा में दुल्हन बनी युवती अपने होने वाले पति के गले में वरमाला डालने ही वाली थी कि अचानक स्टेज पर उसका आशिक अवतरित हो गया और मुट्ठी भर सिंदूर अपनी प्रेमिका की मांग में भर दिया। इसके बाद जो हुआ वह आशिक को पहले से पता था। क्या बराती और क्या सराती दोनों मिलकर इस आशिक पर टूट पड़े। शादी में शामिल सैकड़ों लोगों ने मिलकर इस आशिक की इतनी पिटाई कर दी कि वह अधमरा हो गया। उसे आनन फानन में पहले बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन यहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए विम्स रेफर कर दिया। इस बीच दुल्हा बनकर लड़की के दरवाजे पर आए दुल्हा और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर वापस अपने घर लौट गए। पूरा मामला नालंदा जिला के हरनौर थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव का है। गांव के ही रहने वाले वरण पासवान की बेटी की बारात आई हुई थी। वरमाला के दौरान अचानक दुल्हन के प्रेमी ने स्टेज पर चढ़कर दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि वर वधु पक्ष के लोग अवाक रह गए। फिर क्या था, आक्रोशित वर वधु पक्ष के लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। घटना के बाद दूल्हा बिना शादी किए बारात लेकर वापस लौट गया। इस बीच दोनों पक्षों ने इस घटना की प्राथमिकी हरनौत थाने में दर्ज कराई। एक लड़की से प्यार करते थे, वो सोच रहे थे कि हम शादी करें, तो दूसरा कोई काम कर रहा था, तो जो माला पर माला है, माई पर सभी मिलके भाई। कहाँ घटना घटा है? मुबारकपुर में। अच्छा। जयमाला के पास। अच्छा। आप कौन हुए? हम भाभी। लड़का। ग्रामीणों का कहना है कि वरण पासवान की बेटी ललिता के शादी के लिए हरनौत के नंदबिघा गांव से बारात आई हुई थी। रात में जनवासा से बाराती नाचते गाते लड़की के घर पहुंचे थे। अभी स्टेज पर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डालने ही वाले थे कि दुल्हन का कथित प्रेमी अचानक स्टेज पर आकर दुल्हन की मांग सिंदूर से भर दिया। जख्मी आशिक के परिजनों की माने तो युवक का एक साल से दुल्हन के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका के कहने पर ही उसने उसकी मांग में सिंदूर डाला था। बहरहाल यह कौन सा इश्क है जिसमें प्रेमिका को खुश रखने की जगह प्रेमी ने उसकी जगहसाई करा दी। अब तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से हाथ धो ही बैठा, साथ ही गांव से बारात लौटने और एक लड़की की शादी में बाधा डालने की वजह से गाँव के लोगों का भी वह विरोध झेल रहा है। खुलासा के लिए नालंदा से शिव कुमार की ये खास रिपोर्ट।